और हमने देखा है कि यू नो यूएस मार्केट के इंडिकेशन पॉजिटिव नहीं है, तो इंडिकेशन यही है कि ये नेगेटिव टोन कंटिन्यू करेगा। आप दोबारा से अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास पहुंच चुके हैं, करीब 17,255 के अराउंड पे आपने लो बनाए थे, जो लास्ट स्विंग मार्केट ने एक लो बनाया था, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली थी। तो उन लेवल्स के पास आना दोबारा से, तो कहीं ना कहीं यही है कि आप 17,800 को ब्रेक नहीं कर पाए, तो लोअर हाईज लोअर लोज जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड का एक इंडिकेशन होता है, वो मेंटेन है मार्केट में। तो ये देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगी, बट क्योंकि ऑलरेडी हम काफी ज्यादा यू नो शार्प कट देख चुके हैं, मेरे हिसाब से ओपनिंग पे आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड वेट फॉर एनी रीबाउंड। तो इंट्राडे में अगर कोई रीबाउंड मिलता है करीब 17,500-17,530 के जोन में, तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 640 दूसरा रेजिस्टेंस होगा, वहीं पे 17,250 जो कि प्रीवियस स्विंग लो था वो पहला सपोर्ट होगा, उसके बाद करीब 17,100। बैंकिंग अभी भी कंपैरेटिवली यू नो स्ट्रॉन्गर है, दो यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, इनफैक्ट बैंकिंग फाइनेंशियल्स में ही प्रेशर था, बट अभी भी यहाँ पे देखिए 40,000 मेरे हिसाब से मेक अप ब्रेक लेवल होगा, जो कि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। लास्ट दो लोज जो बैंकिंग इंडेक्स ने बनाए हैं वो हायर लोज बनाए हैं, तो कोई ना कोई जो रिस्पाइट अगर आने की उम्मीद होगी तो वो बैंकिंग से ही होगी। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि हम देख रहे हैं कि टोन अक्रॉस द बोर्ड नेगेटिव है, यहाँ पे भी आपको सेल ऑन राइज की मेंटेन करना है। 40,800 के पास अगर आपको मिलता है बैंकिंग इंडेक्स, वहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। 41,200 दूसरा रेजिस्टेंस होगा जो कि आपका स्टॉप लॉस होगा, और नीचे पे करीब 40,050 से लेकर 39,700 ये मेजर सपोर्ट एक्ट ट्रैक करेंगे। क्लियरली नेगेटिव ट्रेंड जो है वो बरकरार रहेगा, लोअर हाई लोअर लो जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड है मार्केट का, वो विजिबल है और वो आगे भी नजर आ रहा है। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है लेकिन